नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन की कंस्ट्रक्शन किस प्रकार होती है, यानी कंस्ट्रक्शन क्या होती है ट्रांसमिशन लाइन की। इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जिसमें सिंगल लाइन डायग्राम, स्किन इफेक्ट और अदर अदर टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आज हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होती है ट्रांसमिशन लाइन की। तो देखिए, जो भी ट्रांसमिशन लाइन हमें कंस्ट्रक्ट करानी होती है उसमें चार मुख्य चीजें सबसे पहले होती हैं। सबसे पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, तीसरा होता है पोल और चौथा होता है क्रॉस आर्म। अब इन चार चीजों के बारे में बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कंडक्टर क्या होता है। तो देखिए, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर कैरी करता है पावर को सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक। देखिए, सेंडिंग एंड वो चीज होती है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, रिसीविंग एंड क्या हो गया, कंज्यूमर। मान लो UPRVUNL यानी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का कोई थर्मल पावर प्लांट है, उस थर्मल पावर प्लांट से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है ना। यानी थर्मल पावर प्लांट सेंडिंग एंड हो गया, हमारा घर क्या हो गया, रिसीविंग एंड, और बीच में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन आते हैं, ठीक है। तो सेंडिंग एंड से यानी जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और जहां तक यानी कंज्यूमर यानी उपभोक्ता तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम किसका होता है, इसका, कंडक्टर का, ठीक है। कंडक्टर जो होते हैं अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंसुलेटर। अब ये इंसुलेटर का काम क्या होता है, देखिए, जो भी हमारा कंडक्टर होता है उसको हम डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते पोल पे, ठीक है। अगर हमने पोल पे अटैच कर दिया तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैसे, मान लो यहाँ पे इंसुलेटर ये नहीं होता, ध्यान से समझिए, अगर मान लो इंसुलेटर नहीं होता, हमने तार डायरेक्टली इसे अटैच करी थी। अब देखिए, पोल बना हुआ है हमारा आयरन स्टील वगैरह का, ये खुद में क्या होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, तो ये भी कंडक्टिंग हो जाएंगे और लीकेज करंट फ्लो कर जाएगा यहाँ से, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम इस लीकेज करंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसुलेटर लगा देते हैं, ठीक है। इंसुलेटर का काम क्या होता है, दे आर यूज टू प्रिवेंट द लीकेज करंट। इंसुलेटर सबको पता है अपने अंदर से करंट पास नहीं करने देता। अब जानते हैं कि पोल क्या होता है। देखिए, पोल क्या होता है, मान लो ये कंडक्टर है, हम बिजली इंजीनियर हैं तो हमें पता है कंडक्टर को हमें जमीन पे तो बिछाना नहीं है, जमीन के ऊपर हमें क्या करना है, उनको कुछ ना कुछ ग्राउंड क्लियरेंस देनी है, यानी कि किसी हाइट पे हमें पहुंचाना है, ठीक है ना, ताकि इंसान नीचे चल फिर सके आराम से, कुछ भी काम हो सके। तो जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो पोल प्रोवाइड करता है, हाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इस कंडक्टर को देखिए, ये इतनी ऊपर है और यहाँ पे ये पोल ने इसको हाइट प्रोवाइड करी है, यानी ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करी है, तो ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करने का काम किसका रहता है, वो रहता है हमारा पोल्स का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस आर्म की। अब ये क्रॉस आर्म नाम की चीज क्या होती है, क्रॉस आर्म जो प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इंसुलेटर को, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, सपोर्ट टू इंसुलेटर, ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया है, क्रॉस आर्म प्रोवाइड सपोर्ट टू इंसुलेटर। अब देखिए भाई, अगर मुझे इंसुलेटर लगाना है उसके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट तो चाहिए ना, तो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा इस इंसुलेटर को, ये रही क्रॉस आर्म, ठीक है। ये जो साइड में ऐसे क्रॉस की तरह ऐसे देखिए क्रॉस बना रहा है पोल से, ठीक है, इसको बोला जाता है क्रॉस आर्म। तो हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अब समझते हैं कुछ बेसिक चीजों को, बेसिक चीजें कैसी, आज हम इम्पोर्टेंट कुछ बेसिक चीजें पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर बात करें, इसको रब कर देते हैं 2 मिनट, ये आप नोट कर लीजिए इतना। अब सबसे पहले हमने बात करी थी कंडक्टर के लिए, तो ये रहा हमारा कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर क्या होते हैं, इट कैरीज पावर फ्रॉम सेंडिंग टू रिसीविंग एंड, यानी सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक पावर कैरी करते हैं। फिर क्या होते हैं, इंसुलेटर प्रिवेंट फ्लो ऑफ लीकेज करंट, किसका, लीकेज करंट का फ्लो प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास हैं क्या होते हैं, क्रॉस आर्म्स सपोर्ट टू द इंसुलेटर। क्रॉस आर्म क्या होते हैं,
इंसुलेटर को सपोर्ट, ठीक है, क्रॉस आर्म आर सपोर्ट टू द इंसुलेटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोल्स, पोल्स दे प्रोवाइड ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस और हाइट टू द कंडक्टर, क्योंकि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो पोल्स के ही थ्रू जाती है या टावर के, बाद में पोल टावर इनमें क्या फर्क होता है ये आगे पढ़ेंगे जब लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब समझते हैं कंडक्टर की जो प्रॉपर्टियां होती हैं वो कैसी होती हैं, कंडक्टर मटेरियल जो होता है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, यानी जो ट्रांसमिशन के लिए हम कंडक्टर यूज करते हैं, कंडक्टर कंडक्टर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन मिशन प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए उस कंडक्टर की जो ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रहा है। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए, पहली बात होती है लो रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी। अब लो रेजिस्टिविटी क्यों होनी चाहिए, देखिए कोई भी कंडक्टर है अगर उसकी रेजिस्टिविटी लो होगी यानी प्रतिरोध क्षमता लो होगी, ऑब्वियस सी बात है उससे करंट फ्लो कम करेगा, ठीक है ना, बढ़िया कंडक्टर के लिए। तो करंट फ्लो अगर कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम, ठीक है ना, लो रेजिस्टिविटी होगी तो, लिख लेता हूं, लो रेजिस्टिविटी होगी तो करंट फ्लो लेस, करंट फ्लो लेस तो वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप लेस, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड, यानी कंडक्टर का काम क्या होता है, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक पावर ले जाना, अगर वो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक बढ़िया पावर लेके जा रहा है तो बेस्ट रहेगा, इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तभी सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक बढ़िया पावर लेके जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, पहली लो रेजिस्टिविटी, दूसरी हमारे पास होती है लो लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। अब ये लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट को अल्फा से डिनोट करते हैं। अब इसका फिजिकल मीनिंग समझिए, यूपीपीसीएल आजकल क्वेश्चन बना रहा है मीनिंग पे, भाई आदमी को पता कितना है, ये तो सबको पता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा है, अब लो क्यों होना चाहिए, पहले टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब समझते हैं तभी हमें पता चलेगा कि बढ़िया कंडक्टर मटेरियल के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी बढ़िया चालक के लिए लो कम क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब होता है अल्फा, मतलब होता है चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का चेंज होता है अल्फा, यानी रेजिस्टेंस कितनी चेंज होती है, मतलब क्या होता है, मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, मान लो ये कोई वायर है, ठीक है, मान लो ये कोई वायर है, अगर इसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले मान लो इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम थी, ठीक है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया 5 ओम हो गई, ठीक है। इसी प्रकार की कोई दूसरी वायर है, ठीक है, इसी प्रकार की कोई दूसरी वायर है, ठीक है, वायर नंबर 2, वायर नंबर 1, ठीक है। अब मान लो इसकी रेजिस्टेंस पहले 2 ओम ही थी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया ये 8 ओम हो गई, ठीक है। अब इनका टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 2 गया 6, ठीक है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस इसका ज्यादा हुआ, तो यानी कि ये बेकार वायर हो गई, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा करेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशियंट चेंज इन रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, तो बढ़िया वायर कौन सा रहा, ये वाला, क्योंकि इसका चेंज इन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो है, यानी अल्फा बहुत लो है, कोफिशियंट बहुत लो है चेंज इन, ठीक है। तो मेरे ख्याल आज सबको टेम्परेचर कोफिशियंट का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो, ठीक है, पहले ये पॉइंट क्लियर हो गया है सबको, अब चलते हैं आगे, ठीक है, अब आगे चलेंगे। देखिए इस चैनल को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, देखिए कि जो एवरेज छात्र है, औसतन छात्र, देखिए हमारे हिंदुस्तान में तैयारी करने वाले सिर्फ 2-3% छात्र ऐसे होते हैं जो दिमागी रूप से पहले से ही बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ छात्र बहुत ही ज्यादा औसतन होते हैं, यानी जो इतने अच्छी तरह चीजों को नहीं समझ पाते। तो ये चैनल ऐसे बना है कि जो औसतन छात्र है वो भी इतना बेसिक से समझ पाए इलेक्ट्रिकल की चीजों को कि उसका सब कुछ क्लियर हो सके। जैसे पावर सिस्टम है, तो यहाँ पे देखिए कितना बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, एक एक चीज को इतना लाइटली लिया हुआ है, मतलब कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिस बंदे के पास भी, चाहे वो नया है और चाहे वो ओल्डर है, और जुड़ा रहिए, मैं रोज कोई ना कोई वीडियो लाता रहता हूं। पावर सिस्टम सीरीज चल रही है, तो नेक्स्ट
हमारे पास जो है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इट शुड नॉट बी कोरोड, ठीक है, शुड नॉट बी कोरोड। अच्छा कंडक्टर पे कभी भी जंग नहीं लगना चाहिए। क्या नहीं लगना चाहिए? जंग नहीं लगना चाहिए। जंग लग जाएगा तो खराब हो जाएगा ओपन कंडक्टर में। तीसरा पॉइंट, डक्टाइल होना चाहिए एंड मेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अब ये डक्टाइल और मेलेबल का क्या मतलब होता है, देखिए कोई कंडक्टर है हमारे पास, किसी कंडक्टर का छोटी छोटी तारों में कन्वर्ट हो जाना थिन वायर्स में, यानी उसको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, ठीक है। और मैलेबिलिटी शीट्स वगैरह में भी कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी, ठीक है। और तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ मोर, ठीक है। फ्लेक्सिबल बहुत होना चाहिए और टेंसाइल, फ्लेक्सिबल यानी घूम वूम अच्छे से जाए हमारा कंडक्टर, ठीक है, और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी टेंशन झेलने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब मैं लिखवाने जा रहा हूं, कॉस्ट शुड बी लो। अब देखिए हर एक इंजीनियर चाहता होता है कि जो उसका काम है, कोई भी कंपनी चाहती होती है उसका काम जो है वो कम पैसों में निमट जाए और अच्छी क्वालिटी का कंडक्टर मिल जाए। तो कॉस्ट कम होनी चाहिए किसी भी कंडक्टर की। अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी कंडक्टर तो बहुत ही अनइकोनॉमिकल ट्रांसमिशन हो जाएगी। तो कॉस्ट जो होनी चाहिए यानी कीमत जो होनी चाहिए वो सबसे कम होती है। अच्छे इंजीनियर वही होते हैं जो कम कीमत में बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिलवा जाएं, ठीक है। तो हमें ऐसे ही UPPCL में फ्यूचर में जाके या किसी भी कंपनी में, चाहे हम पावर ग्रिड में जाएं, चाहे हम किसी भी बिजली विभाग की कंपनी में जाएं, हमें ऐसा इंजीनियर बनना है कि हम बहुत अच्छा प्रॉफिट दिला सकें जहां भी हम कंपनी में काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हमारे रहे प्रॉपर्टीज कंडक्टर की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगले, वैसे तो थोड़ा डेमो दे देता हूं, अगले लेक्चर में मैं कंडक्टर पढ़ाऊंगा कि कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, मैं सिर्फ उसका डेमो दे देता हूं। देखिए हमारे पास कंडक्टर जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉपर कंडक्टर, ठीक है, कॉपर कंडक्टर होता है। दूसरा होता है हमारे पास एल्यूमिनियम कंडक्टर, ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर। चौथा होता है हमारे पास एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील, ACSR बोलते हैं, ACSR कंडक्टर, ठीक है ना, मोस्ट यूज्ड कंडक्टर, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जो भी पावर सिस्टम में यूज होता है, वो चाहे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में हो, UPPCL में हो, इन्हीं कंडक्टर के थ्रू ट्रांसमिशन यूज होती है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील इनफोर्स। आगे पढ़ेंगे डिटेल में क्या होते हैं ये सारे कंडक्टर। फिर होते हैं हमारे पास आल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं कैडमियम कंडक्टर, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार के हमारे कंडक्टर होते हैं, उसमें से सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है वो ये माना जाता है, ठीक है। और अगले लेक्चर हम पढ़ेंगे कि कॉपर इतना बढ़िया होकर भी हम ACSR को क्यों करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे साथ बने रहिए। आज तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, कंसेप्ट क्लियर करते रहिए।